ये देखो पुलिस की गाड़ी उसके पीछे पड़ी है। पेट्रोल पंप से यूटर्न लिया भाई साहब, पुलिस भी यूटर्न ले ली, माँ कसम क्या चल रहा है सब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 2 दिन से स्टे किए हुए हैं दिल्ली में, और आज 5वां दिन है। हम लोग कल मुंबई टू लद्दाख, और हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से न्यू दिल्ली टू श्रीनगर। जैसे कि आपको पता है कि मनाली का रोड बंद था, इसकी वजह से हमको यहाँ पे स्टे करना पड़ा। तो अभी मालूम पड़ा है हमको कि श्रीनगर का रास्ता जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल रहे हैं 5:30 बजे न्यू दिल्ली टू श्रीनगर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सुबह के बज रहे हैं 5:18 और हम लोग जा रहे हैं बाइक पार्किंग से लेने, कुछ यहाँ से 800-900 मीटर पे है। तो चलते हैं फटाफट, पहले पार्किंग से बाइक निकालते हैं और उसके बाद लगेज लोड करके फटाक से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को सुबह 5 बजे निकलना था। आधा घंटा मान लो वैसे लेट हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो बराबर से उजाला भी नहीं हुआ है। पहले पार्किंग से लेके आते बाइक, फिर देखते हैं। सो फाइनली गाइस 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग को आज फिर लेट हो चुका है, और बाइक अपनी पूरी रेडी हो चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं फिर सीधा दिल्ली टू श्रीनगर। तो अपने जो लगेज है और सैडल बैग है और टॉप बॉक्स है सब फिट हो गया है। अपना ये बनी हेलमेट जो कैमरे के साथ पूरा रेडी हो चुका है, और आगे एक टंकी पे एक बैग रख दिए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी निकलते हैं, क्योंकि 6 बज गए हैं, हम लोग सोचे थे 5 बजे तक निकल जाएंगे। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने हेलमेट भी डाल लिया, अब बैठने की देरी, अब बैठते हैं। श्रीनगर का मैप लगाते हैं, खींच पीछे, इधर से निकलना पड़ेगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस सुबह के 6:04 हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं, 1 घंटा पूरे लेट हैं। तो अभी देखो हाईवे कब तक आता है, अगर गूगल बाबा नचाए नहीं गलियों में दिल्ली की तो हाईवे पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चावरी बाज़ार होते हुए रास्ता दिखा रहा है, जो इधर मेट्रो स्टेशन भी है, देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन आ गया ये वाला चावरी बाज़ार मेट्रो स्टेशन। तो श्रीनगर ये देखो कहाँ से कहाँ लेके जाता है। सड़कों पे बाइक चला रहे हैं और मुंबई से जितने भी स्टेट होते हुए आए हैं अभी तक का बस 2 से 3 गाड़ी मतलब MH की दिखी है, बाकी तो मुझे और कोई देखने नहीं मिली। MH की गाड़ी बहुत कम हम लोग देखे, वही 4-व्हीलर एक देखा था और एक बस देखा था, नहीं बस नहीं ट्रक देखा था। तो MH की गाड़ी मतलब बहुत कम देखने को मिली है, और लद्दाख में गाइस देखते हैं कि MH की गाड़ी कितनी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ। तो देखो अभी श्रीनगर हम लोग निकले हैं, सुबह के 6 बज गए हैं, और सुबह देखो कितने मतलब सुबह 6 बजे हम लोग निकले हैं, और
गाइस देख सकते हो ये जामा मस्जिद के पास हम लोग को निकाला है मैप। तो मुझे तो इधर का रूट पता नहीं, बट फिर भी अगर जहाँ से निकाल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हाईवे कहाँ है। और फिर हम लोग पिछले साल जामा मस्जिद आए थे, इस बार इधर नहीं आए, लेकिन सुबह सुबह इधर भी मिल लिए, देख लिए। तो थोड़ा सा और राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ की पब्लिक जो है, जो मेरे को लग रहा है कि मॉर्निंग में उठती है वही उठती है और हम लोग को देख रही है। फटाफट गूगल बाबा निकाल दो हाईवे पे, क्योंकि थोड़ा पीछे। अरे वाह, लाल किला भी आ गए गाइस, जामा मस्जिद भी हो गया, लाल किला भी हो गया। सुबह सुबह दर्शन, सुबह सुबह मिल लिए, दोनों चीज़ देख लिए। तो सामने रहा ये लाल किला और यहाँ से लेना है लेफ्ट। और ये देखते हैं कि कौन सा हाईवे निकाल रहा है। ये है लाल किला, काफी मजा आ गया। वहाँ हम लोग 4:30 बजे उठे हैं, रेडी वेडी होने के बाद पूरा अभी नाश्ता भी हम लोग नहीं किए और सुबह सुबह से निकल गए हैं। तो रास्ते में कहीं देखेंगे और उसके बाद हम लोग उठ के नाश्ता कर लेंगे। गाइस एक नंबर ब्रिज है यहाँ पे, काफी मस्त लग रहा है। सो गाइस ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये इसके नीचे यमुना नदी है, जो आप उधर देख सकते हो पूरा खाली पड़ा हुआ है, पानी उसमें है नहीं, हल्का सा होगा तो होगा। तो इसी ब्रिज पे से हम लोग आए हैं अभी। तो यमुना नदी शायद ये यूपी स्टेट में पड़ता है। तो अभी तक हम लोग 150 किलोमीटर चला चुके हैं और पेट्रोल डलवाने वाला हो गया है। तो एक तो पेट्रोल पंप जस्ट आ गई है, इसमें नहीं भरवाएंगे, नेक्स्ट वाले में भरवाएंगे। तो इधर थोड़ा सा रुक गए थे, 150 किलोमीटर चलाए हैं और 2 घंटे पूरे हो गए हैं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर हम लोग का वो है कि चलाएंगे। तो इधर क्या, अभी स्टार्टिंग में निकले तो उधर थोड़ा सा क्राउड था, सिग्नल था, इसकी वजह से ये इतना हुआ, वरना 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगा। तो अभी तो हाईवे है, अभी मार लेंगे फटाफट और फिर देखते हैं आगे, पेट्रोल वेट्रोल डलवाएंगे। बस आगे जो वाला पेट्रोल पंप जो है सामने, वहीं पे रुकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और देखते हैं अगर पेट्रोल भरवाना वाला होगा तो भरवा लेंगे। ऐसे भी एक ही खूंटी बची हुई है। और ये थाना मधुबन जिला करनाल। तो आमने सामने दो दो पेट्रोल पंप है, एक एचपी का है, एक इंडियन ऑयल है। ये क्या बता रहा है, दिल्ली 134? इधर दिल्ली का है, राउंड राउंड होगा, फिर राउंड करके होगा। हाँ भरवाना तो है, भरवा लेते हैं। तो
तो गाइस पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और यहाँ 2-3 नंबर के बाद अपना नंबर आएगा। सो मोटा भाई पेट्रोल भरेंगे, हथीड़ा भाई, हथीड़ा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रहता ना, हथीड़ा भाई क्या। तो गाइस पेट्रोल भर रहा है और 94.70 रुपीस 94 का पेट्रोल चल रहा है यहाँ पे और अभी तक 743 का हो चुका है, 7.85 लीटर और आएगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। 802 रुपये का मशीन का स्लिप दे दो ना। तो गाइस बाइक को तो नाश्ता मिल गया, अभी हम लोग को नहीं मिला और 8:09 हो रहे हैं फिलहाल, आगे कहीं रोक के नाश्ता करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं गाइस, 705 किलोमीटर और 16 घंटे 38 मिनट बता रहा है 1 AM। ओ भाई साहब, ये तो रात को मतलब रात के 12 के बाद 1 बजे छोड़ने को बोल रहा है यार। और टी शर्ट की मेरी हालत देखो एक आईने में। चलो भाई चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, विदाउट टाइम वेस्ट के वे फटाफट यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि इधर धूल मिट्टी इतना है कि मतलब कपड़ा देख सकते हो आप, मेरा पूरा वाइट से काला हो रहा है। तो अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर नया भी चेंज करूँगा तो फिर वो भी ऐसा ही हो जाएगा, तो इसी में इसे चलते हैं फिलहाल के लिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। लेट्स गो गाइस, बाकी मज़ा तो आ रहा है और जो हम लोग के हेलमेट का वाइज़र है उस पर इतने मतलब कीड़ों के खून लगे हुए हैं, पता नहीं आज कितने मटर हम लोग कर डाले हैं। जो स्पीड से हम लोग आए हैं दोनों हेलमेट पे, पीछे फैजान वाले हेलमेट पे तो इतना मतलब बड़ा वाला कीड़ा है कि एकदम तुरंत टच होते ही ख़त्म और खून खून हो गया पूरा। और मेरे भी हेलमेट पे 3-4 कीड़े आ चुके हैं जो ख़त्म ही हो गए सीधे। चलो फटाफट रास्ता नापते हैं, 704 किलोमीटर तो नाप ही लिए हैं, टाइम को हम लोग देखते हैं कि टाइम में कितना जल्दी और कितना कवर हो जाएगा। टारगेट हम लोग का ये है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो अगर 700 किलोमीटर है तो 7 घंटा बहुत है। अगर हाईवे अगर मारेंगे तो, अगर गूगल बाबा कहीं और घुसा दिए तो फिर वो अलग बात है, बाकी अगर हाईवे मारेंगे तो फिर ले 7 घंटा बहुत है। चलो गाइस खींचते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, तो नंबर प्लेट वगैरह सब देख सकते हो। हम लोग पता नहीं कितने स्टेट की नंबर प्लेट देखते हुए आए हैं, बट महाराष्ट्र का हम लोग का 1-2 मिला बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग अभी हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, तो हाईवे है आई थिंक, हाँ चलो 350 मीटर से राइट साइड पे हल्का सा अपने को हाईवे मिल गया है। फिर से हाईवे मारते जाएंगे, 690 किलोमीटर और बचा तो 100-200 किलोमीटर और घसीटते हैं, फिर देखते हैं यार नाश्ता किए नहीं तो नाश्ता भी करना ज़रूरी है वरना मोए हो जाएगा, तो फिर मोए अच्छा नहीं है, उससे अच्छा नाश्ता कर लो।
देखो इसके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ी है, इन लोग कट मार के निकल रहे थे। ये देखो पुलिस की गाड़ी उसके पीछे पड़ी है। ओ भाई साहब ये क्या सीन हो गया, देख सकते हो हरियाणा की पुलिस के पीछे पड़ी है और हरियाणा की गाड़ी आगे थी तो देखो उसने रॉन्ग वे मार के निकला। चलो गाड़ी भगाओ। गाइस दोनों में रेसिंग चल रही है, बहुत खतरनाक वाली, बहुत स्पीड से दोनों जा रहे हैं। मतलब पुलिस वाला आगे था और गाड़ी वो वाली पीछे थी, तो जिसे ब्लॉक कर रहा था रास्ता पुलिस वाला तो इधर उधर करके निकल जा रहा था, बट थोड़ी सी ट्रैफिक होने की वजह से वो आगे निकल गया। और दूसरी चीज़ उसने फिर रॉन्ग वे मार दिया और ये पुलिस वाले ब्रिज पे हैं और वो नीचे साइड से गया और वो अंदर मार दिया और ये गया। गाइस वो सीधे, ओ माय गॉड, पेट्रोल पंप से यूटर्न लिया भाई साहब, पुलिस भी यूटर्न ले ली, माफ का सब क्या चल रहा है सर। ओ फक, दोनों ही बहुत तेज गाड़ी भगा रहे थे और ऐसा क्या है यार, जो गाड़ी भगा रहे वो रोक नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ पीछे से गाड़ी यूँ रोड पे क्यों नाच रही है। ओ अब क्या होगा उसका, गाड़ी अगर पकड़ गया तो फिर उसका बहुत बुरा हाल होगा। वैसे कोई जेंट से चला रहा था। सो कैसे हो हरियाणा वालों, फिलहाल के लिए हम लोग चाय पानी के लिए रुके थे, चाय पानी हो गया है और निकलते हैं। और अभी अपना डेस्टिनेशन 631 किलोमीटर दिखा रहा है और वही 1 बजे का दिखा रहा है टाइमिंग। 1 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर खींच नहीं पाए, फिर भी देखते हैं। तो कैसे हो हरियाणा वालों, फाइनली हम लोग हरियाणा पहुंच गए हैं और हरियाणा क्रॉस करते हैं। सो गाइस NH44 हरियाणा और हरियाणा होते हुए लुधियाना और चंडीगढ़, लेट्स गो। हम लोग राइट है या रॉन्ग, आई डोंट नो, शायद राइट। आई थिंक राइट, फाइटर जेट गाइस, फाइटर जेट, और यहीं पे कहीं लैंड हो रही है वो। सो गाइस हम लोग को नेशनल हाईवे पे एचआर की इतनी ट्रैफिक दिख रही है, जो हाईवे पे इतनी ट्रैफिक है और मैप में तो अभी ऐसा ट्रैफिक का कुछ बता नहीं रहा है, बट यहाँ पे ट्रैफिक है लाला। 599 किलोमीटर और वही सेम टाइमिंग दिखा रहा है रात को 1 बजे पहुँचने का। आज हम लोग मैप को आजमा ही लेते हैं कि मैप को कैसे यूज़ किया जाए और उसके साथ कैसे खेला जाए मैप के साथ। तो चलो, थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, देखते हैं आगे क्लियर होगा। कैसे देखो बाइक कैसे चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कांच हो गया है इसको और कोई दिक्कत है, दोनों पैर ऊपर है। हम लोग तो नई दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा एंटर कर चुके हैं, फिर भी ऐसा नहीं चला है। कभी कभी होता है थोड़ा सा पैर नीचे कर लेते हैं। और भाई साहब इनको देखो, ये कौन सा स्टाइल है यार हरियाणा वालों, ये कौन सा स्टाइल है। देखो मस्त क्रैश गार्ड पे पैर दोनों साइड में रखे हुए, वाह मानना पड़ेगा यार। ये देखो सो गाइस शायद से ये सनफ्लावर का ही है, पूरा एक नंबर खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
हरियाणा में हम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं लाइन से, हमको वही देखने मिल रही हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पंजाब में एंटर हो चुके हैं और सनफ्लावर्स की इधर खेती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, एक नंबर। मेरा तो मन है रुकने का, रुक के फ़ोटो वोटो खिंचाने का, बट टाइम बहुत कम है और जाना बहुत दूर है तो राइड कंटिन्यू चालू रहेगी। सो गाइस अमृतसर 210 किलोमीटर है और मनाली 292, तो हम लोग मनाली नहीं श्रीनगर जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग रुके थे पंजाब में, थोड़ा सा गन्ने का जूस पी रहे थे, थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है अभी क्योंकि दोपहर हो रहा है तो गन्ने का जूस पी रहे हैं और तो नींद आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुँह धुलते फिर से और चलते हैं आगे। सो फिलहाल गाइस चलो अभी हम राइड करते हैं, अरबाज भाई राइड करते करते थक गया तो चलो अब हमारी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखते हैं हमारे से कैसा राइड होता है। तो फिलहाल तो अरबाज भाई बैठ गए हैं और अभी तो ये टूर का सबसे पहला राइड है मेरा, थोड़ा डर भी लग रहा है, कोई नहीं फिर भी चलाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये हाईवे पे बाइक राइड कर रहा हूँ, कोई नहीं जब तक हम बाइक चलाएंगे नहीं जब तक हमारा डर अंदर से ख़त्म होगा नहीं, फिर भी मैं स्लोली स्लोली थोड़ा दूर से चलाऊँगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाऊंगा गाइस क्योंकि मैं अभी न्यू ड्राइवर हूँ। आई थिंक मुझे गाड़ी चलाने आता है बट क्या है ना गाइस कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरी बात मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है तो इसके लिए मेरे को डर काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अरबाज भाई क्या है कि पिछले 10 साल से बाइक चला रहे हैं तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और हम गाइस हमको उतना तो नॉलेज है नहीं कि बाइक कैसे NH पे भगाते हैं, अरबाज भाई मजबूत भगाते हैं। तो अभी तो सिग्नल लगा हुआ है गाइस और यहाँ जितने भी पंजाब में है सब हमें ही को देख रहे हैं, जैसा कि हमने जो बनी हेलमेट लगाया उसके वजह से हमारा थोड़ा लुक और अच्छा हो गया है। तो चलो गाइस राइड को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अरबाज भाई भी शायद डर रहे होंगे, कोई नहीं मैं चला के थोड़ा सा अपने आप को सही करता हूँ, जब तक मैं चलाऊंगा नहीं जब तक मेरा डर ख़त्म नहीं होगा। चलो 5 नंबर गियर लगाते हैं, अब उड़ाते हैं। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? सो गाइस हम लोग अमृतसर साइड एंटर करने वाले हैं, अमृतसर है, जलंधर है, ये सब एक ही साइड पड़ता है तो हम लोग अभी हाईवे पे ही है तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी हर जगह दिया जाता है 60-65 जो भी है। और उसके बाद हम लोग जब न्यू दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकले तो हम लोगों को ना एक चीज़ नई चीज़ देखने को मिली है जो मैं वीडियोस में ही देखता था, आज रियल में देखा कि वो चीज़ कैमरा लगा रहता है और आपकी स्पीड बता देता है कि आपकी स्पीड गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में चल रही है और फाइन भी शायद से आता है उसका मेरे को कन्फर्म नहीं है। और ये पता नहीं कौन सी नदी है, मैप पे भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि गाड़ी स्पीड में है। हाँ यार सामने का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा पहाड़ पहाड़ है और हल्का सा ग्रीनरी है। और एक चीज़ मैं बोलूँ तो दिल्ली से यार बहुत 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 ज़्यादा सही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं लग रही है अभी। और दिल्ली में गाइस इतनी गर्मी है कि आदमी टी शर्ट में नहीं रह सकता, इतनी गर्मी है। तो बहुत सारे गाँव भी है इधर, फगवाड़ा
86 बांगा टोल रोड स्टार्ट। ओके आगे टोल है, सो 2-3 किलोमीटर पे है टोल। अभी बचा है 523 किलोमीटर, 523 किलोमीटर, और टाइमिंग वही बता रहा है 1 बजे। सो इधर आगे बैरियर लगा हुआ है, बट यहाँ पे लग रहा है कोई है नहीं, तो बैरियर लगा है आगे। हाँ नाकाबंदी का इधर है, तो 3 सर लोग बैठे हुए हैं, रात में ज़्यादा तो रहते होंगे, अभी तो नॉर्मली ये सब बैठे रहते हैं क्योंकि रात में फिर चेकिंग अच्छी वाली होती होगी बड़े बड़े गाड़ियों की। अपना क्या है, अपना तो निकल जाना साइड से, अगर रोक भी लिए तो क्या है, अपने पास सारा डॉक्यूमेंट से दिखा देगा 5-10 मिनट में फुर्सत। जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो तो नो टेंशन, एक नंबर, फिर तो कहीं भी चले जाओ। तो गाइस मुझे डर है कि ज़्यादा रात ना हो जाए, 7 से 8 बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर है उधर का रास्ता क्या पता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो बस अल्लाह से दुआ करूँगा कि सही सलामत पहुँच जाऊँ, और आप लोग भी दुआ करो यार कि हम लोग की जो जर्नी है सेफली हम लोग होके आ जाए। और कल रात में हम लोग 1:30 बजे तक सोए हैं गाइस, 1:30-2 बजे तक, और सुबह हम लोग 4:30 बजे उठ गए हैं, तो काफ़ी नींद भी लग रही है। तो रुकते हुए, फ्रेश होते हुए, चाय पानी पीते हुए, मुंह धुलते हुए थोड़ा सा चल रहे हैं, क्योंकि अगर नींद आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और उसी को नहीं आने देना है अपने को। फिर श्रीनगर में गाइस आराम से पहले मेरे को नींद कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर कहीं निकलेंगे। सो या अल्लाह थोड़ा सा ख्याल रखना, हेल्प करना जो नींद आ रही है। तो फैजान भाई बोल रहे हैं कि पंजाब में गर्मी नहीं पड़ रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है, और अभी बज रहे हैं 12, 520 किलोमीटर है। और साइड में ये पता नहीं किस चीज़ का खेती है, बट पंजाब में यार खेती तो बहुत है, हर एक पंजाबी आपको मेहनती मिलेंगे यहाँ पे। मेरे को लग रहा है ये भुट्टा जो होता है ना मुंबई में, मुझे भुट्टा बोलते हैं, गांव में बाली बोलते हैं, ये उसकी खेती है, बट श्योर नहीं हूँ मैं। फिलहाल के लिए जो रास्ता एकदम क्लियर वाला रहा है, दिख रहा है ना, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो क्यों ना थोड़ा सा बढ़ाया जाए,